कोई गलती है मेरे पाप। पैगंबर ने फरमाया कोई बंदा जो मस्जिद अंदर आए कच्चा लहसुन खा के मस्जिद अंदर ना आए, थोम खा के मस्जिद के अंदर आना मेरे पाप पैगंबर ने मना किया है। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा कच्चा लहसुन खाता है थोम खाता है उन्हें चाहिए है साड़ी मस्जिद के अंदर ना आए, नमाजियों आके तकलीफ ना दे, क्योंकि जड़ी चीज अंदर ही है नमाजियों तकलीफ होती है फरिश्ते भी इस चीज़ तो तकलीफ महसूस करते हैं। ये मेरे पाक पैगंबर की हदीस मौजूद है। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदे मुँह अंदर बदबू आती है वो नमाज के अंदर आके शामिल ना हो जिनी देर तक अपने मुँह की बदबू को ख़त्म ना कर दे। भाई साडा हाल देखा जाए असी सिगरट पीने सिगरट में इस्तेमाल करने और उस तरीके दे नाल आके नमाज भी पढ़ रहे हैं पान खाधी जा रहे हैं चर्च पीती जा रहे हैं अपने जबान के अंदर अपने मुँह के अंदर असी नसवार रखी जा रहे हैं ऐसी गंदी बदबू आती है नमाजियों आके परेशान करने ये नमाज के अंदर बहुत बड़ी गलती है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ऐसा नमाजी जेड़ा बदबू लेके आता है मस्जिद आता है आके नमाजियों परेशान करता है इनू नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं ये अपने घर अंदर बैठा रहे अगर नमाज वास्ते आना है अपने मुँह की सफाई करके आना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस हदीस में देखा जाए इस मुँह की हद तक नहीं असी अपने लिबास का भी ख्याल करना है अगर साढ़े कपड़े अंदरों बदबू आती है साढ़े जिसम अंदरों बदबू आनी है सब तो पहले इस बदबू को ख़त्म किया जाए फिर अल्लाह के घर अंदर आया जाए अल्लाह के घर अंदर आके नमाज पढ़ी जाए। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी सफाई करके मुँह की कपड़िया की जिसम की सफाई करके अल्लाह के घर के अंदर आके नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उनकी नमाज़ को कबूल कर लेते हैं।